जी आरती जी, हेडलाइंस त्रिपुरा में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ आरती जी, सबसे पहले आपसे ये एक सवाल लेना चाहेंगे कि एग्जिट पोल में तो सभी एग्जिट पोल बीजेपी को आगे रख रहे हैं, तो इसके ऊपर में आपका राय क्या होगा? ये मीडिया हमारे जनता के बीच में जाने का एक ही सही और सुलभ साधन है। हर हाथ में मोबाइल होने के नाते एग्जिट पोल का सहारा अगर से हम लोग ले रहे हैं और बीजेपी को एग्जिट पोल में आगे किया जा रहा है, तो मीडिया एक ऐसा स्तंभ है हमारे समाज के लिए। राजनीति, जैसे हमारे समाज के तीन स्तंभ है, राजनीति और ये हमारा प्रिंट मीडिया और ये एक सोशल मीडिया जो हमारा है। तो इसमें अगर से हमारी बीजेपी को आगे किया जा रहा है, वो किसी आंकड़ों को लेकर ही किया जा रहा है, इसमें कोई गलत तो है नहीं। अगर से जो आगे है उसको आगे किया जा रहा है। तो मतलब एग्जिट पोल के साथ आप कहीं ना कहीं हद तक सहमत हैं। बिल्कुल सहमत है। अच्छा आरती जी, इस बार जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, इनमें ये चुनावी में अहम मुद्दा क्या-क्या था? हमारे चुनाव का जो पिछली बार चुनावी मुद्दा रहा, उस बार की चुनावी मुद्दा को ही इस बार भी आगे बढ़ाया ही जाएगा। इसमें चुनावी मुद्दा में रोजगार की सुअवसर प्राप्त हो, इसमें जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान हो, और फिर शिक्षा और नारी सुरक्षा की ज्यादा इसमें इस मुद्दा को आगे जोर किया बढ़ाया गया है। आरती जी, जब हम ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो तब बहुत सारे युवाओं ने रोजगार का मुद्दा उठाया, तो अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि रोजगार का मुद्दा एक अहम मुद्दा बन के उभर रहा है, तो क्या योगी जी आने के बाद ये रोजगार का मुद्दा कोई सॉल्व हुआ है? मतलब ये क्या रोजगार योगी जी पैदा कर पाए हैं, इसको साकार कर पाए कि उनका जो इशू था पहले 2017 में? राजदीप जी, एक के मेरा ये कहना है, ये अगर से हमारे चार बच्चे हैं और वो चारों बच्चों किसी एक खिलौने का चारों ने मांग किया है, तो हम अपने परिवार में रहते हुए उन चारों बच्चों की मांग तो पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे। तो हमारे जो मुखिया हैं उनके प्रयास में हम लोग उनका साथ दें। रोजगार का अवसर का मीन्स होता है कि न कि सरकारी नौकरी ही, ऐसे सेक्टर अपने उत्तर प्रदेश में बनाए जाए, ऐसे फैक्ट्रियां लगाई जाए, ऐसे कुटीर उद्योग लगाए जाए जिससे कि रोजगार के अवसर स्वयं ही और सुलभ मिल जाए। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इतना कुछ, इतना लाउडली, इतना मतलब आतंकवाद इतना हावी हो रहा है कि हम लोग को उसको सेफली निकालने में टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हम अपने देश में रह के रोजगार के अवसर स्वयं उतार अपने आप में से निकालेंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम लोग कल्पना करेंगे, तो हम लोग ज्यादा इससे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, इस बार चुनाव में एक और अहम मुद्दा था जो नारी सुरक्षा, तो नारी सुरक्षा से संबंधित एक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन उत्तर प्रदेश में पहले था, क्या उसमें सुधार हुआ है? आपका राय क्या है? एक नारी होने के नाते 7 बजे के बाद मैं बनारस में खुद स्वयं अकेले मजिस्ट्रेट होने के नाते भी हम निकल नहीं पाते थे। भाई के ले लें चाहे किसी और को लेके, तभी हम लोग बाहर निकलते थे। लेकिन आज मोदी जी, योगी जी के इतने कड़े, महिलाओं के लिए कितने कड़े, जो आत्म सुरक्षा की बात करते हैं, वो सेल्फ डिपेंड तो हुई ही हुई है इस आत्मनिर्भर भारत में। वो आत्म सुरक्षा को लेके पुलिस प्रशासन हुआ, हमारे जितने भी विभाग हैं जो नारी सुरक्षा को संरक्षित करते हैं, उनके माध्यम से नारी स्वयं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। एक सिक्स सेंस महिलाओं में होता है कि उनको आभास पहले से होता है कि मैं कहाँ सुरक्षित हूँ, कहाँ सुरक्षित नहीं हूँ। गांव में जाएंगे हम लोग, शहर में, हम लोग तो शहर में रहते हैं, गांव की महिलाएं जो हैं उन्होंने तो कहा है कि हमारे मुखिया पिता के समान योगी जी को उन्होंने लिया है। हमारे मोदी जी, योगी जी को मुखिया या पिता के स्वरूप में उनको अपने आप में रखा है। तो नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा अपने अपने आप में सुरक्षित है। 2017 चुनाव में एक मुस्लिम महिलाओं के वोट एक अहम हिस्सा रहा बीजेपी को सरकार में लाने के लिए, तो 3 तलाक को रद्द किया गया। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ही हिजाब कांड हुआ कर्नाटक में, तो हिजाब कांड के बावजूद क्या इस बार मुस्लिम महिला बीजेपी के साथ खड़े होंगे?
बिल्कुल 100% खड़ी होंगी। आप महिला जो अल्पसंख्यक महिलाएं होती हैं उनको दबा के ही रखा जाता है। 3 तलाक का जैसे ही मोदी जी ने लागू किया कानून, वो इतना ज्यादा वो ग्रसित थी, इसमें इस जंजीर में जकड़ी हुई थी कि वो अपने आप को इतना स्वतंत्र उन्होंने महसूस किया है। और रही बात हिजाब की, तो कोई स्वेच्छा से घूंघट तो काटता नहीं है, हिजाब तो बहुत दूर की बात है। हिजाब लगाना कोई मन से नहीं चाहता है। एक मैं भी एक औरत हूँ, औरत होने के नाते कोई महिला नहीं चाहती कि उसे जंजीरों में और पर्दे में रखा जाए। पर्दा तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे जगहों पर कि जो स्कूल बच्चे पढ़ने जाए उसको हिजाब लगा के भेजा जाए। तो हमारे हिंदुस्तान में ड्रेस बनाया गया है उसी हिसाब से चले। अपने जाति और धर्म को एक किनारे रख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हर जगह जाति भावना भेद महिला पुरुष ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी का ये अगर से उन्होंने योगी जी ने लिया ये फैसला हिजाब का, उन्होंने बहुत ही अच्छा लिया है। और महिलाएं इसका बहुत बढ़ चढ़ के आगे इन्होंने समर्थन किया है। तो आपका राय है ये है कि हिजाब कांड का असर उत्तर प्रदेश चुनाव में उतना असर नहीं करेगा, मुस्लिम बिल्कुल नहीं महिलाएं करेगा। बीजेपी के साथ ही खड़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपका कहना सही है। और हिजाब का कोई मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम महिलाओं का कोई मसला नहीं है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आती हैं उनमें से 8 विधानसभा सीट हैं, उनमें से आप कितना सीट उम्मीद करती हैं? एक पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं तो चाहूंगी पूरे विधानसभा को हम लोग विजयी करें, और विजयी होंगे भी। लेकिन जो हम किसी को नीचा या ऊंचा ना दिखाते हुए अगर से एग्जिट पोल के अंडर में हम बात करते हैं, तो 8 में से हम लोग 6 विधानसभा में पूर्ण बहुमत से आएंगे। वाराणसी दक्षिण जहाँ पे किशन दीक्षित जी खड़े हुए हैं और जहाँ पे विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ, उद्घाटन हुआ, तो उन आसन में क्या बीजेपी इस बार अपना परचम लहरा पाएगी? चुनावी मुद्दा हार जीत ये अलग की बात है। किशन दीक्षित जी भी खड़े हुए हैं, वो बीजेपी के जीत में उनका कोई अहम भूमिका नहीं होगी। अच्छा, ये डर हम लोग को एकदम नहीं है कि किशन दीक्षित जी के खड़े होने से हमारे नीलकंठ तिवारी जी को कोई असर पड़ेगा। कॉरिडोर विश्व के लिए बनाया गया है, पूरा विश्व पटल देख रहा है कि काशी की क्या काया थी और क्या किस तरह के मोदी जी के आने के बाद कायाकल्प हुआ है। तो इसमें इसमें कोई वो नहीं है कि किसी को भी खड़े कर देने से कुछ हो जाएगा, लेकिन हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। अच्छा आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे। एग्जिट पोल का रुझान तो दिखा रहा है एक तरफ, कल सुबह पता चल जाएगा बाबा का आशीर्वाद, बाबा का प्रसाद कौन किसको मिला, क्योंकि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबने वाराणसी में अंतिम चरण के चुनाव के प्रचार कार्य में आपने बहुत प्रचार किया। तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से कितना सीट मिलने का उम्मीद आप रखती हैं? एग्जिट पोल को देखते हुए और हम अपना रुझान सीटों के लिए 292-95, लेकिन होगा 300 के पार। मतलब इस बार 300 पार। यस, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। धन्यवाद। नमस्कार।